Hey, what is up guys? My name is Satvik and welcome back to my channel. तो आज मेरी क्लास है इवनिंग क्लास और मैंने सोचा आज मैं इमिग्रेशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊं क्योंकि इमिग्रेशन वाला पार्ट रह गया था लाइक जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा तो उनका कैनेडियन एयरपोर्ट पे एक इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है जिसके जो हमें पास करके हमारी कनाडा में तभी एंट्री होती है हमें तभी हमारा एक स्टूडेंट परमिट वर्क परमिट मिलता है। तो आज हम इमिग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरे दोस्तों का कैसा रहा। और आज मैंने ये CBU की टी शर्ट पहनी थी जो कि इसके ऊपर मैं हुडी पहनूंगा क्योंकि मौसम इतना अच्छा हुआ सुबह से लाइक ना गर्मी हो रही थी ना ठंड हो रही थी और अचानक से ना बारिश स्टार्ट हो गई। लो देखो एक बार बारिश ऑलमोस्ट थोड़ी बंद हो गई है लेकिन ठंड बढ़ गई है जिसकी वजह से अब मैं हुडी पहनूंगा और अभी बस चलते हैं और बस चल रहे हैं अब निकल रहे हैं। इवनिंग क्लास है मेरी ऑलरेडी 3:30 बज चुके हैं और 4:10 पर क्लास है मेरी और यहाँ से 10 मिनट्स वॉक है मेरा। और आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि इफ़ यू आर कमिंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर तो तुम्हारी क्लासेस कहाँ लगती हैं। तो अभी हम बाहर निकल गए और अभी मैं जा रहा हूँ अपना क्लासेस की तरफ। तो हाँ मैं बात कर रहा था जैसे अगर इफ़ यू आर कमिंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में जो कैनेडियन एयरपोर्ट पर पूछे जाते हैं प्लस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में उनके साथ ये होता है कि लाइक जब कोर्सेज रजिस्टर करते हो अपना क्लासेस के लिए तो उसमें आपको आता होगा कि लोकेशन में सिनीप्लेक्स में ही आपकी क्लास होगी ये सब्जेक्ट की क्लास होगी। तो तीन में तो मेरे सिनीप्लेक्स है एक के ब्रिटेन यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है बारिश बहुत तेज़ हो रही है मतलब थोड़ी तेज़ हो गई है थोड़ा जल्दी चलते हैं हम। फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो के ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में इतनी जगह नहीं होती दो कैंपस बहुत बड़ा है फिर भी जगह नहीं होती तो दे हैव रेंटेड सिनीप्लेक्स फॉर सम टाइम जब तक फर्स्ट सेमेस्टर नहीं होता। और ये हर हमेशा होता है जब भी कोई नए बच्चे आते हैं तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर मोस्टली सब्जेक्ट सिनीप्लेक्स में होते हैं। ये PG प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं बैकलेट्स के तो सारे ऑलमोस्ट CBU में ही होते हैं बस PG में PG के ज़्यादातर सिनीप्लेक्स में होते हैं। तो ये आप लोग प्रिपेयर्ड हो गया ना आई वॉज प्रिपेयर्ड बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे लगा सिनीप्लेक्स CBU के अंदर ही होगा यूनिवर्सिटी के अंदर होगा पर यूनिवर्सिटी के बाहर है मेरे घर से लाइक 1 किलोमीटर दूर है तो वॉकिंग का डिस्टेंस है। बारिश बहुत तेज हो गई है मैं थोड़ा रुकता हूँ शायद कहीं तो मैं घर चला गया था वापसी छाता लेने बाल भी पूरे ख़राब हो गए हुडी भी ख़राब हो गई गीली हो गई तो लाइक ज़्यादा दूर मैं आ गया नहीं था भाग के गया जल्दी से अम्ब्रेला लेके आया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो गई थी अब फिर कम हो गई अब फिर तेज़ हो जाएगी फिर कम होती यहाँ पे यही चलता रहता है। और अभी हम जा रहे हैं तो बस मुझे यही बताना था सिनीप्लेक्स वाला सीन जो यहाँ पे होता है केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में तो जब रजिस्टर करो तो देख लेना क्लासेस कहाँ है कैसी नहीं है। सिनीप्लेक्स है वो CBU के आउटसाइड में लाइक पास में नहीं है सिडनी में ही है डाउनटाउन के पास। तो अपना जो कोशिश करना जो आप रेसिडेंस ढूंढोगे एकोमोडेशन ढूंढोगे वो सिनीप्लेक्स से पास ही ढूंढना ताकि बस का किराया बचे और आने जाने का किराया बचे आप पैदल ही जा पाओ जाकि जैसे मेरा 1 किलोमीटर है आना जाना आराम से होता है मुझे बस नहीं पकड़नी पड़ती। और जो मेरे दूसरे दोस्त हैं जो 2-2.5 किलोमीटर रहते हैं वो बस से आते हैं वो स्पेंड करते हैं लाइक $1.5 रोज़ आने जाने का तो वो तुम सेव कर सकते हो रोज़ का। तो दैट्स प्रीटी मच इट अभी जा रहे हैं जल्दी से ऑलरेडी अब 15 मिनट बचे हैं शायद 10 मिनट बचे हैं और अब 10 मिनट का वॉकिंग मैं एग्जैक्ट टाइम से ही पहुँचूँगा। मैं दिखाऊँगा तुम्हें कि क्लासेस कहाँ होती हैं ताकि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको पता चले वो क्लासेस कहाँ हैं।
सो दिस इज द सिनेप्लेक्स जो यहाँ पे तुम्हारी क्लासेस लगती हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। आज मेरी अकाउंट्स की क्लास है यहाँ पे, तो मैं आया हूँ यहाँ पे। तो मुझे बस यही दिखाना था कि फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारी क्लास यहाँ लगेंगी, एक आधी सीबी में लगेंगी, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ में तुम्हारी सारी ऑलमोस्ट सीबी में लगेंगी। या फिर तुम्हारे पास ऑप्शन होगा ऑनलाइन का तो तुम देख सकते हो। सो दिस इज़ इट, अब मैं जाऊँगा क्लास लूँगा और तुमसे क्लास के बाद बात करूँगा, फिर हम अपना इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लेट्स रोल। तो अभी जस्ट क्लास ओवर हुई है और हम बाहर आए हैं और अब हम इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस बताएंगे अपना अपना। इस भाई से स्टार्ट करते हैं, उसके पापा हमारी वीडियोस देखते हैं। हेलो, आई एम यशराज एंड लाइक थोड़ा जोर की बोलो क्योंकि ना हवा चलती है, आवाज कम आएगी। हाँ, तो लाइक हम सब एक ही फ्लाइट में थे, वी आर ऑन द सेम फ्लाइट एंड वी हैड अ रियली फन फ्लाइट। वी आर एंड हांजी भाई आप भी बताओ। हांजी भाई, तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम सिद्धांत है। आप कहाँ से आए? गुजरात से है। गुजरात से है। और इमिग्रेशन में मेरे को तो बस पूछा यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्स का नाम और फीस पेमेंट रिसीप्ट मांगी, और जो लफड़ा था वो मेरे बाजू वाले का था। हाँ, तू बता रहा था एक लड़का रिपोर्ट हुआ है और बाजू वाले को पूछा कि कौन सा कॉलेज है, तो उसको कॉलेज का नाम नहीं बता, मतलब उसको इंग्लिश ही नहीं आ रही थी, वैसे आज वेल खरीद के आया होगा हिंदी भी। तो पहले तो इंग्लिश में बात ही नहीं कर रहा था, तो उन लोगों ने ट्रांसलेटर बुला दिया, एयरपोर्ट पे रहते हैं ट्रांसलेटर, तो वो ट्रांसलेटर ने समझाया कि ये पूछ रहे हैं तो ये जवाब दे दे, फिर बोला कि कौन सा कॉलेज है, तो उसको कॉलेज का नाम नहीं बता, फिर बोला कोर्स का नाम बता, कोर्स का नाम भी नहीं बता, फिर बोला सब्जेक्ट्स कौन सा है वो बता दे, तो बोलता है आई डोंट रिमेम्बर, ऐसा वो हर बात पे वही बोल रहा था कि आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट हैव लॉगिन क्रेडेंशियल्स। नहीं, वो बात में हुआ, उसको पूछा कि अपने कॉलेज पोर्टल पे लॉगिन करके बताइए, तो उसके पास लॉगिन मतलब लॉगिन करने के लिए आईडी एजेंट के पास था, तो बोला आई डोंट हैव दैट, एजेंट के पास है, ऐसा ही बोला। तो उसको अंदर लेके गए, फिर अंदर तो पता नहीं क्या हुआ, मगर दूसरे दिन न्यूज में देखा कि एक स्टूडेंट हुआ है रिपोर्ट, तो हाँ उसका पासपोर्ट का फोटो भी डाला था कि जैसे अपना दिल्ली पे इमिग्रेशन का स्टैम्प लगता है ना, उसका रिपोर्ट वाला, हाँ उधर वीजा कैंसिल का स्टैम्प लगा था। मैं फोटो भेज दूंगा, तो फोटो भी देख ली और फोटो डाल देने के पेज में आई थी फोटो वीजा कैंसिल जैसा। अच्छा अच्छा, बट इट इज नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू वरी अबाउट। आई गेस यू व्हेन यू विल बी सीइंग दिस वीडियो, आई बेट यू विल बी टोटल लीजिट एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस स्टफ। Just make sure you have all your documents, nothing else. Yes, documents are necessary. और एक बात भी है, इतने छोटा टाउन में भी तीन जॉब लग चुकी है, तो चिंता करने की बात नहीं है, जॉब मिल जाती है, बस जॉब मिल जाती है और हम सब अपनी जॉब का बताएंगे हमें कैसे मिली। आज फर्स्ट शिफ्ट है, तो शिफ्ट भाई की फर्स्ट शिफ्ट है, मेरी बाद में आएगी। भाई की कब है? Yes, I have already completed my 20 hours and it's just Wednesday. तो मेरी तो फ्राइडे से शिफ्ट है, तो मैं बताऊंगा कि मेरे को कहाँ मिली जॉब, ये भी बताएंगे इनको कैसे और किस तरह से मिली, जब हम पार्ट टाइम पे बनाएंगे। सो दैट्स प्रीटी मच इट, होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो को एंड करते हैं, ये लोग अपनी अपनी शिफ्ट में जा रहे हैं और हम अपने घर जा रहे हैं। लेट्स एंड द ब्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।